दिल्ली में मीडिया कह रही है कि सीबीआई ने ब्रीफ किया है कि आप यहाँ से इंक्रिमिनेटिंग चीज़ें मिली हैं, आपको इस बारे में क्या कहना है? देखिए, मुझे इतना ही कहना है कि आज सुबह से यहाँ पे सर्च अभी भी चल रहा है, अभी भी फॉर्मली खत्म नहीं हुआ है। तो हमें नहीं पता चल रहा है कि जब सर्च अभी तक खत्म नहीं हुआ तो सीबीआई दिल्ली का ऑफिशियल ब्रीफिंग और ट्वीटिंग कैसे चल रहा है, एक बात। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगी कि हमारे पास जो भी डॉक्यूमेंट सीबीआई आज ले गई है वो वही डॉक्यूमेंट्स हैं जो हमने गुजरात पुलिस को दिए थे, 25,000 पेजेस, और एमएचए को दिए थे इंस्पेक्शन के बाद, अब अप्रैल में और जून महीने में 2015 को। ये भी मैं दर्शकों को याद दिला दूं कि ये सब गुजरात गवर्नमेंट के होम डिपार्टमेंट के कहने पे ये करवाया जा रहा है। और अभी जो सीबीआई, जिसको यूपीए के ज़माने में भारतीय जनता पार्टी केज्ड पैरट कहती थी, वो सीबीआई डायरेक्टली पीएमओ के डायरेक्शन से चल रही है। हमारा ये मानना है कि जिस देश में खून विटनेसेस को मारा जा रहा है, व्यापम जैसे स्कैम्स हो रहे हैं, उस वक्त साधारण मानवाधिकार प्रवक्ता को या कार्यकर्ता को इस तरह प्रोसिक्यूट करना और इस तरह हाउंडिंग करना सरासर ब्रिटिश जमाने का याद दिलाता है। हमने कानून तोड़ा नहीं है, हम कानून से भागे नहीं हैं। हमने जून 30 को हमने सीबीआई को बहुत प्रेम से खत लिखा था कि वी आर विलिंग टू कोऑपरेट अगेन ऑन जुलाई 10, वी सेड प्लीज गिव अस अ कॉपी ऑफ द एफआईआर। इसके बावजूद इस तरह का सर्च वारंट निकालना, हमारे घर और ऑफिस पे आना, सिवाय ह्यूमिलिएट और इंटिमिडेट करने के अलावा कुछ नहीं है। हमारा ये इल्ज़ाम है कि जुलाई 27 को ज़किया जाफ़ी के केस की सुनवाई गुजरात हाई कोर्ट में शुरू हो रही है, उसी से ये हुकूमत डर रही है। कल से नरोड़ा पाटिया की अपील गुजरात हाई कोर्ट में चल रही है, हमारे विक्टिम्स को डराने के लिए, 2002 के सर्वाइवर्स को डराने के लिए और हमको धमकाने के लिए ये सब कार्रवाई हो रही है। हम इसकी कड़वी निंदा करते हैं।